इधर अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया। यहाँ 2.5 साल की बच्ची जिसके दिल में सुराग था उसका सफल ऑपरेशन किया। देखिए ये रिपोर्ट। महाराजगंज की रहने वाली 2.5 साल की बच्ची अवनी के दिल में सुराग था। उसके माता पिता ने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन बात नहीं बन पाई। बाद में घर वाले उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल ले गए जहां ऑपरेशन के नंबर के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से संपर्क किया। अवनी को तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसके बाद यहाँ अवनी का इलाज किया गया। जब बच्चे माँ बाप को पता चला कि बच्चा नीला पड़ जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है और दूध नहीं पी पाता है, वजन नहीं बढ़ रहा बच्चे का, तो उन्होंने कई जगह दिखाया, गोरखपुर में दिखाया, वाराणसी दिखाया, फिर कानपुर लखनऊ भी दिखाया और फाइनली फिर एम्स में जब वो गया तो एम्स न्यू दिल्ली में बच्चे की डायग्नोसिस पूरी पता चली कि बच्चे के दिल में छेद है और बच्चे के जो दिल के खून की नसें हैं, जो मेन नसें होती हैं, वो उल्टी लगी हुई हैं और साथ में एक नसों में रुकावट भी है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने अवनी के दिल की गति को रोकते हुए मशीन के जरिए उसे सांस दी। ये ऑपरेशन काफी बड़ा ऑपरेशन था, लगभग 3 घंटे के लिए दिल को रोक रखा था हम लोगों ने और ऑपरेशन लगभग 7 से 8 घंटे का था और इसमें कई सारी टीम्स काम करती हैं। जैसे मैं जो है हार्ट सर्जरी का चेयरमैन हूँ और मेरे साथ जो है एनेस्थीसिया की टीम होती है, परफ्यूजन की टीम होती है, ओटी टेक्नीशियन और आईसीयू स्टाफ की टीम होती है, तो इन सब की मेहनत की वजह से ये ऑपरेशन सफल हो पाया है। महाराजगंज और दूसरे जिलों के डॉक्टर दिल की बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को यहाँ रेफर करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ पर दिल से संबंधित 5,000 से ज्यादा बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। अभी 13,000 से ज्यादा दिल के मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने लोगों को फिर एक नई उम्मीद दी है। यहाँ आंखों के कैंसर का इलाज अब नई टेक्निक से किया जा रहा है जो बेहद कारगर साबित होता दिख रहा है। इंसान के हर अंग की उसके लिए अहमियत होती है, लेकिन जब बात आंखों की समस्या की आए तो मामला थोड़ा संजीदा हो जाता है। आजकल अलग अलग तरह की बीमारियां देखने और सुनने को मिल रही हैं, उन्हीं में से एक है आंखों का कैंसर। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल में अब इसका आसानी से इलाज हो रहा है। एम्स में गामा नाइफ रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जा रहा है। अब उन बीमारियों का भी इलाज संभव है जिन्हें कभी ला इलाज कहा जाता था और अब एक ऐसी ही थेरेपी जो है वो एम्स में देखी जा रही है और काफी चर्चा में है। इसको गामा नाइफ थेरेपी कहा जा रहा है। इसके जरिए अब आंखों की रोशनी को बचाया जाएगा। जो आंखों का कैंसर होता है उसमें कई बार जो है वो आंखों को निकालना पड़ता है जिसके बाद लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, लेकिन अब बस 30 मिनट में लोगों के आंखों से कैंसर निकाला जाएगा और वो अपनी रोशनी भी नहीं खोएंगे। दावा है कि मात्र आधे घंटे में मरीज का इलाज हो जाता है जिससे कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। खास बात यह है कि ये बिना सर्जरी के संभव है और बेहद कम समय में इसका ट्रीटमेंट होता है। विशेषता ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइस ढंग से ट्रीटमेंट करती है, तभी इसके नाम में नाइफ दिया हुआ है। नाइफ का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइस एक तरह की तकनीक है ये और एक्यूरेसी इसकी सब मिलीमीटर में है, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है। अभी तक इस तकनीक से कई लोगों को इलाज मिल चुका है जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से 15 लोगों का इलाज हो चुका है और सबसे छोटा इलाज जिसका हुआ है वो 14 साल का है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ 75,000 में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से जो है ये देखा जा रहा है कि 40 साल के बाद आंखों में कैंसर बढ़ने लगता है और जो ट्यूमर है वो कई बार ऐसी नर्व्स में होता है जिसकी वजह से लोगों की आंखों को निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से आंखों की रोशनी भी बच सकेगी और सिर्फ 30 मिनट में जो है वो इलाज हो सकेगा। इस तकनीक का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है क्योंकि कई बार आंख के कैंसर में इलाज के दौरान मरीज की आंखें तक निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहां पर आंखों को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। भारत में अमूमन 40 साल की उम्र के बाद आंखों के कैंसर के केस देखे जाते हैं,
जाहिर है अब गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। 75,000 जो आम जनता दे देगी तो उसके बाद उन्हें सिर्फ MRI के लिए भी पैसे नहीं देने हैं, उनका भी जो आगे का इलाज है या जो भी उनके अपॉइंटमेंट्स होंगे वो फ्री में होंगे। तो लोगों के लिए ये जो थेरेपी है वो वरदान साबित होगी और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों का इलाज भी आसान होता जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, News 18 दिल्ली। और अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर अब कुत्ता या बिल्ली पालने के वक्त आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। कुत्तों के लगातार हमलों के बाद नगर निगम हरकत में आया, जो भी पशु प्रेमी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उस पर नगर निगम भारी जुर्माना भी लगाएगा। देखिए, कभी दिल्ली गाजियाबाद तो कभी देश के अलग अलग शहर, हर तरफ कुत्तों की दहशत है। कुत्तों के हमले के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसमें आवारा कुत्तों के अलावा पालतू कुत्ते भी हमलावर होते देखे जा रहे हैं। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी सड़कों पर आवारा आतंक दिखता है। अलग अलग इलाकों में कुत्तों के काटने के केस सामने आ चुके हैं। कहीं गलियों में कुत्ते का झुंड दिखाई पड़ता है तो वहीं सड़कों पर भी कुत्तों का खौफ दिखता है। अलीगढ़ में अब बिना लाइसेंस के कुत्ता या बिल्ली पालने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये भारी भी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस के कुत्ता या बिल्ली पालने पर अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा, क्योंकि अलीगढ़ में नगर निगम पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। नगर निगम की टीमें इस अभियान के तहत घर घर जाकर लाइसेंस की जांच करेंगी। नगर निगम समय समय पर गाइडलाइन भी देता है। अलीगढ़ में नगर आयुक्त ने डॉग लाइसेंस पर समीक्षा बैठक की, अनुमान से कम लाइसेंस बनने पर नाराजगी भी जाहिर की। बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि अगले 15 दिनों में आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट और मोहल्लों में नगर निगम की टीमें घर घर जाएंगी, जहां पालतू कुत्तों और बिल्ली के लाइसेंस की पड़ताल होगी। कुत्ता या बिल्ली पालने वाले अगर 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, पालतू जानवरों को जब्त भी किया जा सकता है। नगर आयुक्त के मुताबिक नगर निगम ने लगातार कैंप आयोजित कर पालतू कुत्ता और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराए जाने की व्यवस्था की है, लेकिन कई पशु स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जानवरों का लाइसेंस नहीं बनवाया है। पालतू पशु का रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। अगर नगर निगम ने लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है, इसके लिए नगर निगम ने टीम भी गठित कर दी है। नगर निगम सभी डॉग शो और वेटरनिटी क्लिनिक पर भी नजर बनाए हुए हैं। यहां पर भी चेकिंग की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के नगरीय क्षेत्र में 133 मालिकों ने अपने कुत्ते का पंजीकरण कराया है। अलग अलग नस्ल के कुत्तों का पंजीकरण शुल्क ₹200 से लेकर ₹600 तक है। इसमें देसी के अलावा विदेशी नस्ल के कुत्ते भी शामिल हैं। नगर निगम को कुत्तों के हमले की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। और यही वजह है कि अब नगर निगम भी हरकत में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। कैंसर की नकली दवाई बनाने वालों पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। दिल्ली NCR में करीब 10 ठिकानों पर रेड डाली गई, लाखों का कैश जब्त किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में लोगों की जान से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा था वो ईडी की ये रेड बताती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए नकली दवा का जहर बांटा जा रहा था।
अब ईडी ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर रेड मारी है। कैंसर की नकली दवा के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि एक संगठित गिरोह है जो कैंसर की नकली दवा बनाता है और बेचता है। ईडी ने गिरोह से जुड़े आरोपी विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मलिक और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर्च अभियान के तहत ईडी ने 65 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इसके अलावा संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्तियों के बारे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू की है। राजधानी दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इसमें मरीजों की जान से सीधा खिलवाड़ है ही, साथ में मरीज के घर वालों पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि कैंसर का इलाज काफी लंबा चलता है और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन नकली दवा के सौदागर लोगों की जान से खेल रहे थे। बात भी सामने आ रही है कि इस रैकेट के तार दूर दूर तक फैले हुए हैं। अमूमन उन लोगों को टारगेट किया जाता था जो दिल्ली में दूसरी जगहों से इलाज कराने आते थे। उनके तीमारदारों को कैंसर का सस्ता इलाज और सस्ती दवा का लालच दिया जाता था। गुरुग्राम साउथ सिटी के एक फ्लैट में दवाओं का स्टॉक भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 कर्मचारी एक अस्पताल के ही बताए जा रहे हैं। अब ईडी नकली दवा के गोरख धंधा चलाने वालों के खिलाफ सीधे तौर पर एक्शन ले रही है। जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा कि गिरोह का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो यहां नकली मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। बन्ना देवी इलाके के रसलगंज का ये मामला है। केमिस्ट की दुकान को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज रसलगंज में राजेंद्र मेडिकल स्टोर में कुछ नकली दवाइयां और कुछ प्रतिबंधित दवाइयों के संबंध में शिकायत मिलने पर जांच की गई और वहां से कुछ सैंपल भरे गए, इसके बाद दुकान पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र औषधि भंडार अमरनाथ। देर रात को पड़े इस छापे के बाद नकली और प्रतिबंधित दवाइयां मिलने पर दुकान को सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।